क्या संबंध है भारतीय जनता पार्टी का। मेरा आरोप है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सह पर यह याचिका दाखिल की गई है और उसके पीछे मंशा यह है कि संविधान के तहत दिए गए प्रावधान जो आरक्षण की सुविधा है उसको भारतीय जनता पार्टी का दुर्बार समाप्त करना चाहिए। आदमी से बहुत ऊपर बहुत ऊपर तो पेड़ के नीचे बेचारा कभी नहीं बोलता है। तो जात में हिंदू धर्म से सारा इंफॉर्मेशन तो दिया जाता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह संगठन है देख लीजिए इसका क्या है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। बिहार में जो जातीय गणना हो रही थी उसे हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। अब इसे रोक लगने के बाद बिहार में अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरह की बातें करें लेकिन जेडीयू कोटे से एमएलसी नीरज कुमार ने साफ कह दिया है, बीजेपी के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि जातीय गणना पर जो रोक लगी है उसमें बीजेपी का ही हाथ है। जो याचिका दायर किया गया है वो भी बीजेपी के लोगों के द्वारा ही दायर किया गया है। देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार। फॉर इक्वलिटी प्रोफेसर माखनलाल, प्रोफेसर संगीत कुमार रागी, ये सब बेचारे अमित शाह जी के दुलरुआ है, सब एकदम फिट दुलरुआ है। प्रोफेसर कपिल कुमार, डॉक्टर भूरे लाल, मिसेज अहना कुमारी, एक और है एक सोच एक प्रयास, देख ये सब है जानबूझ के किया है एकदम प्लैंड वे में। यह कहा है अब राजनीति में अति पिछड़ा दलित और गरीब सवर्णों को जो हक मिला था उससे इनको पेट में बहुत दर्द है। अपने तो हिम्मत नहीं हो रहा है क्या? दाएं बाएं का खेल खेल रहे हैं। अरे बिहार है, दाएं बाएं का खेल खेलिएगा तो जनता दल यू के पास तीर है और वो तीर मेरा एकदम अचूक निशाना पर बैठता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब बतावे कि इससे क्या संबंध है भारतीय जनता पार्टी का। और मेरा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सह पर यह याचिका दाखिल की गई है और उसके पीछे मंशा यह है कि संविधान के तहत दिए गए प्रावधान जो आरक्षण की सुविधा है उसको भारतीय जनता पार्टी का कुनबा समाप्त करना चाहता है। जात उनसे बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर, ये तो पेड़ के नीचे बेचारा तपस्वी लोग है, कभी नहीं बोलता है। ये सब तो जात नहीं, हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। अरे किसकी ठेकेदारी कर रहे हो? ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सूची है, इसमें जाति लिखा हुआ है। जाति क्यों लिखा? जाति अगर दूसरे मामले में तुम कहते हो कि निजता का अधिकार खत्म हो रहा है आधार कार्ड में कैसे होता है? सारा इंफॉर्मेशन तो दिया जाता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह संगठन है देख लीजिए इसका क्या है। जाति के आधार पर सूची है इनकी और प्रवचन देते हैं कि जातिवाद फैला रहे हैं। अरे राजीव के चंडूखाना में किसको घुमाना चाहते हैं? किसको आप घुमाना चाहते हैं? ये तो एक्सपोज है आप कि भारतीय जनता पार्टी का यह संगठन का प्रारूप है और संगठन के प्रारूप में जाति लिखा हुआ है। इस नग्न सच्चाई को भारतीय जनता पार्टी कैसे कबूल करेगी? कलेजा में दम है तो बताइए ये भाजपा का है कि नहीं है। और साथ ही साथ हम यह बताना चाहते हैं आप तमाम लोगों को कि भारतीय जनता। तो आपने देखा नीरज कुमार साफ तौर पर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में जातीय गणना हो रही थी और अब हाईकोर्ट ने उसके ऊपर तत्काल रोक लगा दिया। अब इस रोक के ऊपर उन्होंने साफ कहा है कि इसके पीछे जो लोग हैं वो बीजेपी के लोग हैं। जो याचिका दायर किए थे वो भी बीजेपी के थे। इससे पहले भी जेडीयू के जो मंत्री हैं, जेडीयू कोटे से मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने भी कहा था और ललन सिंह ने भी कहा था कि पर्दे के पीछे जो लोग हैं उनकी मंशा कामयाब नहीं होगी। लेकिन अब एक बार फिर से नीरज कुमार ने भी कह दिया कि जो लोगों ने जो जातीय गणना पर रोक लगाया है वो बीजेपी के लोग हैं। साफ तौर से बीजेपी के ऊपर बड़ा आरोप लगाया। अब दिखने वाली बात होगी क्या बीजेपी इसके ऊपर पलटवार कर दिए। फिलहाल बिहार में जो जातीय गणना हो रही थी उसके ऊपर रोक लगी हुई है। कोर्ट सुनवाई करेगी, इसके बाद देखने वाली बात होगी क्या यह जातीय गणना फिर से चालू होती या नहीं होती। इस तरह की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।